हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। किरण 9700 प्लस बुक से परसेंटेज का टाइप 3 हम करा रहे हैं। टाइप 3 में आज क्वेश्चंस नंबर 61 से कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्वेश्चंस 92 तक ये दिया गया है, तो ये टाइप 3 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस नंबर 61, एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% का 32% कितना होगा? 32% ही होगा। क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या का 32% 56 है, यानी कि 32% का वैल्यू कितना दिया है? 56। तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा है क्या होगा, तो यहां पर हमने लिखा 32% का वैल्यू कितना दिया है? 56। तो 1% का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, कितना होगा? 56/32। तो आपसे वो संख्या पूछा है, वो संख्या कितनी है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है, तो क्या करना होगा? 56/32 गुना 100। अब 8×7=56, 8×4=32, 25×4=100, 25×7=75 से, यानी कि 175 कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 62 नंबर क्वेश्चंस क्या है? किसी संख्या के 20% को अन्य संख्या के 36% से जोड़े जाने पर दोनों संख्याओं के योग का 30% प्राप्त होता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 20 अधिक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस वैरायटी का क्वेश्चन हमने पिछला वीडियो में कराया था, फिर भी यहाँ पर आपको बताएंगे। यहाँ पर ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शंस बनाना चाहिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे प्रश्न को आपको बाई ऑप्शंस बनाना चाहिए। डेट मीन्स कहने का मतलब विकल्प के द्वारा बनाना चाहिए। तो डायरेक्ट हम ऑप्शंस नंबर 4 को टेस्ट करते हैं। ऑप्शंस नंबर 4 में आपका क्या लिखा है? ये लिखा गया है 30/50, यहाँ पर हमने इस तरह से ये लिखा। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला है, लास्ट में क्या लिखा गया है? बड़ी संख्या छोटी संख्या से 20 अधिक है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या 50 है, छोटी संख्या 30 है, तो 50 है जो 30 से 20 अधिक है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई किया। आगे इसके पहले क्या लिखा था? क्वेश्चंस में लिखा था किसी संख्या के 20% को, यानी कि 30% का 20%, यहाँ पर हमने लिखा 30% का 20% को क्या बोला है? अन्य संख्या के 36% से जोड़े जाने पर, यानी कि अन्य संख्या मतलब दूसरा संख्या आपका क्या है? 50, इसका 36%, ये दोनों को जोड़ना है तो क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चंस में बोला है दोनों संख्याओं के योग का 30% प्राप्त होता है, यानी कि 30+50 दोनों संख्या का योग हुआ, और क्वेश्चंस में लिखा है दोनों संख्या के योग का 30% प्राप्त होता है, इस तरह से हमने यहां पर लिखा। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 30 × 20 यानी कि ये आपका 600% हुआ, प्लस ये 50 × 36 कितना होगा? 36×5=80 होता है, और ये 0 यानी कि 1800 हो जाएगा, 1800%। और ये कितना होगा? तो 30+50 ये तो आपका कितना है, ये लिख देते हैं, ये आपका 80 है, तो 80% का 30% यहां पर हम लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, यानी कि 8×3=2400, ये आपका 2400% हो गया, और इधर देखते हैं तो 1800% + 600% ये भी आपका 2400% है, यानी कि यहां भी सेटिस्फाई कर गया। तो दोनों कंडीशन जो प्रश्न में दिया था उसको सेटिस्फाई किया ऑप्शंस नंबर 4, तो ऑप्शंस नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 63 क्वेश्चंस नंबर, देखिए 63, एक संख्या को 20% बढ़ाने पर वह संख्या 6510 हो जाएगी, मूल संख्या बताए। कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल जो आपका नंबर है वो कितना है, 100% है। अब क्वेश्चंस के अनुसार चलते हैं, तो पूछा है मूल संख्या क्या है, यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा, जो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चंस में बोला है एक संख्या को 20% बढ़ाने पर, यानी कि पहले कितना था, 100% था, अब इसमें हमें 20% और जोड़ना है, तो ये कितना बढ़कर हो गया, 120% हो गया, और क्वेश्चंस में क्या बोला है, बढ़कर कितना हो जाता है, तो 6510 हो जाता है, यानी कि 120% का वैल्यू आपके क्वेश्चंस में दिया है 6510। तो 1% का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, 6510/120 हो जाएगा, और आपसे मूल संख्या यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा, तो ये क्या होगा, 6510/120 और गुना 100। इसे सोल्व करेंगे तो पहले यहां पर हम इस तरह से 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं,
और ये देखिए 12 है जो 4 से कैंसिल होता है और 3 से भी कैंसिल होता है, 651 4 से तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट आपका 51 है, तो 3 से देखते हैं 6 5 11 12 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 से कैंसिल करते हैं, यानी कि 2 3 6 70 51 और ये 4 3 12 ये 25 4 100 यानी कि 25 × 217 करना है, तो यहाँ गुना कर देते हैं 25 7 75 से 175 का 5 हमने लिखा बाकी 17 फिर 25 से कम 25 25 और 17 कितना होगा 25 15 40 और 2 42 का 2 बाकी 4 फिर 25 2 50 और बाकी 4 50 + 4 यानी कि 54 ये आपका कितना हो गया तो 5425 कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर है 63 5425 एक नंबर ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके आगे 64 क्वेश्चन नंबर देखिए 64 क्या है क्वेश्चन यदि एक संख्या का 38% 95 है वह संख्या क्या है, मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और 100% का 38% ही होगा तो 38% का वैल्यू 95 यानी कि 95 दिया है, यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा 38% का वैल्यू कितना दिया है ये आपका 95 दिया है तो पहले 1% का वैल्यू निकाल देते हैं कितना होगा 95/38 और वो संख्या आपसे पूछा है यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है तो 100% का वैल्यू क्या होगा 95/38 × 100 इसे सॉल्व करेंगे तो 19 5 95 19 2 38 और ये 50 2 100 50 5 250 यानी कि 250 कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 64 का देखते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर दिया है दूसरा तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और 100% में हम 45% बढ़ाएंगे तो 145% हो जाएगा और यहाँ पर हो रहा है कितना 725 यानी कि 145% का वैल्यू कितना हो रहा है ये आपका 725 हो रहा है तो पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 725/145 वो संख्या पूछा है मूल संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% का वैल्यू क्या होगा यानी कि 725/145 × 100 इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 145/25 कितना हो जाएगा 725 और 5 × 100 तो ये आपका 500 कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 65 का देखते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर एक में दिया है 500 तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर देखिए 66 यदि किसी संख्या का 28% 77 है तो संख्या क्या है यानी कि 28% का वैल्यू कितना दिया है 77 यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा 28% का वैल्यू दिया है 77 तो 1% का वैल्यू कितना होगा 77/28 और आपसे वो संख्या पूछा यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा तो 77/28 × 100 इसे सोल्व करते हैं तो 7 4 28 25 4 100 11 7 77 25 × 11 करते हैं तो ये 5 सबसे पहले लिखेंगे 5 और 2 7 हो जाएगा और ये 2 यानी कि 275 कौन सा ऑप्शन है 66 का ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 275 इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्या है क्वेश्चन यदि एक भिन्न बाई के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है मूल भिन्न ज्ञात करें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या लिखा है यदि एक भिन्न बाई के अंश में 12% की वृद्धि यहाँ पर बाई के अंश में 12% की वृद्धि लिखा है तो आप अंश को बाई मानिएगा और हर को एक्स मानिएगा इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर हमने भिन्न मान लिया है अपने मन से अंश को बाई और हर को हमने एक्स मान लिया है तो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो क्या बोला है बाई के अंश में 12% की वृद्धि यानी कि बाई में आपको 12% की वृद्धि करना है तो बाई का 112% हो जाएगा उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में और इसके हर में यानी कि हर को हमने एक्स माना है तो हर में 2% की कमी होने पर यानी कि एक्स में 2% की कमी करेंगे यानी कि 98% हो जाएगा तो एक्स का 98% और आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है यहाँ पर ये किसके बराबर होगा तो 6/7 के बराबर होगा अब इसे सोल्व कर दीजिए तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा
और भी कैंसिल करना चाहे तो ये 14 सत्य 98 कैंसिल हो जाएगा और ये 14 ठोकरियोतल से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 4 दुनी 8 और 3 दुनी 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये 4 यहां पर चला आएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब हम बोल सकते हैं बाई बटे एक्स बराबर क्या हो गया 3/4। तो देखते हैं 3/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक में दिया है तो ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बाई बटे एक्स को हमने मूल भिन्न माना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68, क्वेश्चन नंबर देखिए 68, एक संख्या का 65% 91 है, संख्या का मान कितना है, यानी कि 65% का वैल्यू कितना दिया है 91 दिया है, तो पहले 8% का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 91/65। वो संख्या पूछा है यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 91/65 गुना 100, 13 सत्य 91, 13/65, 20/100, 20 सत्य 4 से मतलब 140 कौन सा ऑप्शन है, 68 का देखते हैं 140 ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 28% का मान 35 है, संख्या क्या है, यानी कि 28% का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 35, तो 1% का वैल्यू क्या होगा 35/28 और वो संख्या पूछा है यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 35/28 गुना 100, 7/35 सचों के 28 और 25/100, 25/25 से यानी कि 125 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 125, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4000 का 54% कितना होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4000 का 54%, तो सभी लोग जानते हैं परसेंट है जो दो जीरो को कैंसिल करता है, यानी कि 40 गुना आपको 54 करना है, तो पहले ये जीरो लिख देते हैं और 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, फिर 5 चौके 20 और बाकी 1 21, यानी कि 2160 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 70, 2160 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, क्वेश्चन किसी संख्या का 32% 80 है, संख्या कितनी है, यानी कि 32% का वैल्यू कितना दिया है 80, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 80/32, वो संख्या पूछा है यानी कि 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 80/32 गुना 100, 8 दहे 80, 8 चौके 32 और 25 चौके 100, 25 दहे 250, ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 71 का 250 ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 72 किसी संख्या का 30% का मान 33 है, वो संख्या क्या है, यानी कि 30% का वैल्यू कितना दिया है 33 दिया है, तो सबसे पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 33/30, वो संख्या पूछा है यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 33/30 गुना 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 11 3 33, 11 गुना 10 यानी कि 110 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 110, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है, आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए हैं तो अधिकतम अंक कितने थे, यानी कि 78% का वैल्यू 663 दिया है, यहाँ पर 78% का वैल्यू कितना दिया है 663, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 663/78 और अधिकतम अंक कितने थे पूछा है, अधिकतम अंक जो परीक्षा का पूर्णांक होता है 100% होता है, तो यहाँ पर 100% का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चन में पूछा है, तो 663/78 गुना 100 करना है। अब इसे सोल्व करते हैं तो 13 से कैंसिल करते हैं, पहले 13 6 78 और ये 13 से कैंसिल करेंगे तो 13 चौके 52, 13 5 65 5 बार में और 1 और 3 13 है कम 13 और 2 3 6 77 51, फिर ये 2 से कैंसिल करेंगे 50 2 100, 50 × 17 करेंगे 17 5 85 यानी कि 850 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है 73 का देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया है 850। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 60 का 15% ब्लैंक स्पेस लिखा है के 45% के बराबर है, मतलब 60 का 15% कितना संख्या होगा उसका 45% के बराबर होगा, तो यहां पर लिखते हैं 60
का 15%, ये किसके बराबर होगा? यहां पर ब्लैंक स्पेस लिखा है, इसका क्वेश्चंस में लिखा है 45%, और यहां पर आप कुछ भी मान सकते हैं। यहां पर हमने व्हाट ही लिख दिया, इसे सोल्व करते हैं तो 60 × 15/100 इस तरह से आप लिख सकते हैं, और ये व्हाट गुना 45/100 लिख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आप ये कैंसिल कर दीजिए 100 से 100, और 15 कम 15 = 45, फिर 1 + 3 और 20 + 60, यानी कि व्हाट बराबर कितना हो गया 20। कौन सा ऑप्शन है? 74 का ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है 20, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है, 250 का 46% किसके बराबर है? यहां पर हमने लिखा 250 का 46%, ये आपसे पूछा है किसके बराबर होगा। 250 का मतलब गुना 46% को 46/100 लिखेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25 और 5 2 10, 23 2 46, 5 15 115 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 75 का देखते हैं, 115 दिया है ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, क्या है क्वेश्चन 76? ये क्वेश्चन है किसी संख्या का 26% 65 है संख्या ज्ञात करें, यानी कि 26% का वैल्यू कितना दिया है? 65 दिया है, तो पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा? 65/26, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा? 65/26 × 100, तो 13 × 26 13 × 5 = 65, 50 × 100 50 × 5 यानी कि 250। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 76 का 250 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है किसी संख्या का 72% 90 है संख्या कितनी है, यानी कि 72% का वैल्यू कितना दिया है? 90, तो पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा? 90/72। अब 100% का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा? तो 90/72 × 100, 9 × 10 = 90 और 9 × 8 = 72, उसके बाद 2 × 4 = 8 और 25 × 4 = 100, फिर 5 × 10 25 × 25 से, तो 125 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है 125, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 क्वेश्चन नंबर देखिए 78, यदि 128 का 25/8% बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां हमने लिखा 128 का 25/8% किसके बराबर है? x के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो यहां सोल्व करते हैं 128 का मतलब गुना और 25/8 परसेंटेज हटाने पर 1/100 से गुना किया जाता है, ये x के बराबर होगा। इसे सोल्व करते हैं तो 25 × 100 और यहां पर 8 × 32 × 4 कितना हो जाता है? 128, तो 4 × 1 यानी कि 4, x का मान कितना हो गया? 4। कौन सा ऑप्शन है? 78 का ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 4। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79, क्या है क्वेश्चन? यदि 70 का 40% / 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 70 का 40% पहले हम निकालेंगे, 70 का 40% कितना होगा? तो 70 का 10% कितना होगा? 7 तो 40% 28 होगा, या परसेंटेज है जो 2 0 को कैंसिल करता है, तो 7 × 28 हुआ, इस तरह से भी बोल सकते हैं। आगे लिखा है क्वेश्चन में 80 के 30%, यहां पर हमने लिखा 80 का 30%, तो 80 का 10% 8 होगा, तो 30% 24 होगा, या परसेंटेज है जो 2 0 को कैंसिल करता है, तो 8 × 3 = 24 हो गया। अब देखिए 28 है जो 24 से कितना अधिक है? ये 4 अधिक है, कितना से? 24 से, तो नीचे में आपको 24 लिखना होगा, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, इतना प्रतिशत क्या होगा? अधिक होगा। अब इसे आपको सिर्फ सोल्व करना है, तो यहां पर हम सोल्व कर देते हैं। ये देखिए 1 × 4 और ये यहां पर 6 × 24, 1/6 × 100 इसे ही आप बोलते हैं 16 पूर्णांक 2/3% या 16.66%। ये कौन सा ऑप्शन है? 79 का ऑप्शन नंबर देखते हैं, ये आपका लिखा है 16.67, लगभग में आपका ये हो जाएगा, यानी कि 16.67% ऑप्शन नंबर 1। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर देखिए 80, 150% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 150% हमने लिखा ये आपका परसेंटेज में है, तो इसको आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है,
तो ये 150 सबसे पहले लिखेंगे और परसेंटेज हटाने पर 1/100 सबसे गुना किया जाता है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 और 5 2 10 यानी कि 3/2 कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 का देखते हैं, 3/2 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है, यदि संख्या 150 में 30% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ा हुआ मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 150 में 30% की वृद्धि करना है, तो 30% की वृद्धि मतलब 130%, तो 150 का 130% आपसे पूछा है क्या होगा, तो 150 का 130% बराबर भाग, ये आपसे पूछा गया है, तो परसेंटेज है जो 2 0 को कैंसिल करता है, यानी कि 15 × 13 आपको कर देना है, तो क्या होगा, 15 3 45 के 5 बाकी 4, 15 × 15 और बाकी 4 19, 195 कौन सा ऑप्शन है। 81 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया है 195, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या है। क्वेश्चन, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर क्या 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, यानी कि पहले दिन कितना था 84,500 और चौथे दिन घटकर कितना हो गया है, क्वेश्चन में दिया है 16,900, यहां पर इस तरह से हमने लिखा, तो कितना घट रहा है, तो सबसे पहले इसे आप दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं क्योंकि परसेंटेज पूछा है, तो रेशियो में कर दीजिएगा तो ज्यादा ही हो जाएगा, तो यहां 2 0 से 2 0 हम कैंसिल कर देते हैं। अब ये 845 से कितना 169 हो रहा है रेशियो में, तो कितना की कमी हो रहा है, घटा दीजिए 15 में से 9 जाएगा 6, फिर यहां पर 3 हो गया 13 में से 6 जाएगा तो 7, और यहां पर 7 हो गया 7 में से 1 जाएगा तो 6, 676 कितना पर, यानी कि 845 पर, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, इसे सोल्व करना है, तो इतना ये आपका क्या होगा, इतना प्रतिशत घट रहा है, यानी कि इतना प्रतिशत की कमी भी हम बोल सकते हैं। अब इसे सोल्व करते हैं तो 5 से कैंसिल करते हैं इसे, 5 एकम 5, फिर 3 और 4 5 6 30 और 4 और 5 9 45, ये 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 20 2500 होगा, और ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 9 चौके 36 के 6 बाकी 3, 16 चौके 64 और 3 67, अब 4 × 20 करेंगे तो कितना होगा 80%, यहां पर हमने लिखा 80%, ये कौन सा ऑप्शन है 80% घट रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है 82 का ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 80%, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 क्वेश्चन नंबर देखिए 83, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है, यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से हमने लिखा, कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है यदि एक संख्या, यानी कि वो संख्या कितना 100%, और क्या बोला है उसके 25%, यानी कि 100% का 25%, तो 25% ही होगा, यानी कि ये दोनों का अंतर कितना का हो रहा है, तो 75% का, और क्वेश्चन में क्या दिया है अंतर, क्वेश्चन में दिया है 24 का अंतर है, तो 75% का वैल्यू कितना हो गया 24, तो 100% का वैल्यू पूछा है क्या होगा, तो यहां पर 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 24/75 होगा, और 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 24/75 × 100, 8 3 24 25 3 75, 25 4 100 8 4 32, 32 कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 32, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 क्वेश्चन नंबर देखिए 84, रिक्त स्थानों की पूर्ति का 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, ये इस तरह से क्वेश्चन में लिखा है, तो यहां पर आप दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं, तो यहां पर आप मान लीजिए कि x है तो x का मान निकालना है, या एक अप्रोच और भी है, तो दोनों तरीका से आपको आना चाहिए, तो यहां पर देखिए मेथड फर्स्ट, सबसे पहले इसका ये आपका 40 है जो लिखा है, 50 का कितना परसेंट है, तो 50 के साथ का लगा हुआ है, तो 50 को आपको नीचे लिखना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो इसे सोल्व करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल करेंगे तो 20 2 5 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 4 80% हो गया, तो 80% कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 84 का देखते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, और
इसका मेथड सेकंड देखिए, यहां पर आपको बता रहे हैं इसका मेथड सेकंड भी आपको आना चाहिए। क्या है 50 का मतलब गुना x परसेंट यानी कि x बटा 100 लिख दीजिए और बराबर 40, तो 50 दुनी 100, 40 दुनी 80 यानी कि x का मान कितना हो गया 80, तो 80 यानी कि ऑप्शन नंबर एक में दिया है, दैट मीन्स 80% आपका आंसर होगा। तो इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका 85 नंबर है। यदि a का 20% b का 25% के बराबर है तो a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। पहले a का 20% b के 25% के बराबर है, इतना लिखा है फर्स्ट लाइन, तो यहां पर लिखेंगे a का 20%, यहां पर हमने लिखा a का 20% किसके बराबर है, तो b का 25% के बराबर है। तो यहां से ए और बी का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, तो सबसे पहले यहां पर परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और पंचों के 20 और पपचे 25 यानी कि हम बोलेंगे कि यहां पर ए बटा बी कितना हो गया, तो ए बटा बी हो गया 5/4। दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं ए और बी का रेशियो क्या हो गया, तो 5:4। क्वेश्चन में क्या बोला है ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, यहां हम लिखते हैं ए का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर है, यानी बी का एक्स परसेंट यहां पर हम मान लेते हैं, तो एक्स का मान आपको निकालना है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ए का मान यहां पर हम 5 रख देंगे, 5 का मतलब गुना ये 28%, उसी प्रकार से बी का मान यहां 4 रख देंगे का मतलब गुना और ये एक्स परसेंट, तो सबसे पहले परसेंट कैंसिल कर देते हैं, इसके बाद यहां 4/28 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5/35 एक्स का मान कितना हो गया 35, यानी कि ये जो आपका ए का 28% है बी का 35% के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है 35, 85 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर एक में दिया है 35, तो ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर देखिए 86, एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है वो आपका x है, ये हमने अपने मन से माना है पहली संख्या x है, और इसी प्रकार से दूसरी संख्या को भी हमने मान लिया कि दूसरी संख्या है जो y है। अब देखिए क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे, तो बोला है एक संख्या के 3% यानी कि पहली संख्या का 3% यानी कि x का 3%, यहां पर हमने इस तरह से लिखा x का 3%, और दूसरी संख्या के 2% यानी कि y का 2% का योग, मतलब ये दोनों का योगफल लिखा है क्वेश्चन में किसके बराबर होगा, तो यहां पर बराबर का चिन्ह पहले देते हैं, लिखा है कि पहली संख्या के 3%, तो यहां पर इस तरह से लिखेंगे यानी कि x का 3%, पहली संख्या के 3%, फिर लिखा है और दूसरी संख्या के 5% यानी कि दूसरी संख्या y इसका 5% का योग, मतलब इस तरह से हमने लिखा योग कहने का मतलब प्लस, और इसके आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है के योग के 3/4 मतलब इसका भी 3/4 के बराबर है, तो इस तरह से हमने यहां पर लिखा। अब इसे सोल्व करते हैं, और आपसे पूछा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए यानी कि x अनुपात y आपसे पूछा है क्या होगा, तो देखते हैं ये सबसे पहले क्या हो जाएगा 3x% और ये आपका 2y% हो गया, और इधर देखिए ये 3x% प्लस 5y% है, तो यहां पर हमने इस तरह से लिखा 3x% और प्लस 5y%, और इतना गुना कितना है 3/4, तो ये 4 इधर आ जाएगा यानी कि 4×3=12x% होगा, और प्लस 4×2=8y% होगा, और ये 3 से गुना होगा 3×3=9x% होगा, और ये 5y% गुना 3 तो 15y% होगा। अब इसके बाद x वाले को एक तरफ और y वाले को दूसरी तरफ कर देना है, तो ये 12x% है और ये 9x% इधर आएगा तो -9x% हो जाएगा, इधर पहले से 15y% है और ये प्लस में 8y% उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 8y%। अब देखिए 12x% -9x%, तो ये आपका 3x% हो गया, 15y% -8y%, तो ये आपका 7y% हो गया। सबसे पहले परसेंट से परसेंट कैंसिल हमने कर दिया, और x बटा y लिखेंगे तो वो आपका 7/3 होगा, डेट मीन्स हम बोलेंगे x और y का जो रेशियो होगा 7:3 होगा, 7:3 कौन सा ऑप्शन है,
86 का देखते हैं, ये ऑप्शंस नंबर तीन में दिया है, तो ऑप्शंस नंबर तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 87, क्वेश्चंस नंबर देखिए 87, यदि 160 का x परसेंट बराबर 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका पहला मेथड जो है बहुत ही इजी है, हमने बताया था। यहां पर देखिए क्या होगा, 160 का कितना परसेंट 8 है, तो 8 है जो, 160 का कितना परसेंट है, तो 160 को नीचे लिखेंगे और गुना 100 करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16 और 1 दूनी 2, 5 दूनी 10, यानी कि 5%। तो 5% कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 87, ऑप्शन नंबर एक में दिया है 5%। या दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका यहां पर से आप बना सकते हैं मेथड सेकंड, जिसे हम लिख देते हैं यहां पर, 160 का मतलब गुना x परसेंट यानी कि x बटा 100 बराबर 8, ये भी आप कर सकते हैं। अगर जो ये आपको नहीं समझ में आया है तो इससे भी आप बना सकते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहां पर कैंसिल करना चाहे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 1 गुना 5 तो 5, x का मान 5 हो गया, ऑप्शन नंबर कितना 1। ये भी एक बेसिक अप्रोच है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x का 50% कॉमा y के 25% के बराबर है तो x अनुपात y का मान इनमें से किसके बराबर होगा। x का 50% यहां पर हमने लिखा, x का 50% किसके बराबर है, y के 25% के बराबर है, क्वेश्चन में लिखा है। अब यहां पर लिखा है x का 50% बराबर y का 25%, तो सबसे पहले परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देते हैं, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 यानी कि 2x बराबर 1y हो गया, तो x बटे y 1/2 हो गया, दैट मींस x और y का रेशियो कितना हो गया, 1:2। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर देखिए 89, यदि 75 का 20% बराबर 225 माइनस 420 का x परसेंट है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करते हैं, तो 75 का 20% कितना होगा, आप तुरंत भी बना सकते हैं, 75 का 10% कितना होगा तो 7.5 होगा, और 75 का 20% कितना होगा, 7.5 का दुगुना यानी कि 15 होगा। तो डायरेक्ट आप यहां पर 15 लिख सकते हैं, या इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो 75 गुना 20% को 20/100 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और 20 से कम 20, 20 पचे 100, फिर 1 पचे 5 और 15 पचे 75, तो 15 गुना 1 15 हुआ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, तो 225 माइनस ये 420 का मतलब गुना x परसेंट यानी कि x बटे 100, यानी कि ये आपका 15 हो गया है, तो यहां पर हमने ये 15 लिख दिया और बराबर ये देखिए क्या है, 225 और ये आपका माइनस है क्या, 420 गुना x बटा 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा और यहाँ 5 दुनी 10, 21 दुनी 42 यानी कि 21 x बटे 5 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 21 x बटा 5, और ये आपका 225 है और ये प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस 15 होगा, यानी कि 225 में से 15 घटा देंगे तो 210 होगा, और यहां पर हम कैंसिल करना चाहें तो 21 से ये कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं, x बराबर क्या होगा, ये आपका 210 है, ये 21 बटा 5 है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 5 बटे 21 हो जाएगा, 21 दहे 210 तो 10 बचे 50 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर एक में दिया है 50, तो ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90, क्वेश्चन नंबर देखिए 90, यदि y का x परसेंट 2000 के बराबर है और z का y परसेंट 4000 के बराबर है तो x और z के बीच क्या संबंध है। तो यहां पर पहले लिखते हैं y का x परसेंट 2000 के बराबर है, y का x परसेंट 2000 के बराबर है, और क्या दिया है, z का y परसेंट 4000 के बराबर है, z का y परसेंट 4000 के बराबर है। इसे थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या होगा, y का मतलब गुना x परसेंट यानी कि x बटे 100 बराबर ये आपका 2000 है, ये z का मतलब गुना y परसेंट यानी कि y बटे 100 बराबर ये क्या होगा 4000। अब देखिए इसके आगे अगर जो हम यहां पर गुना करते हैं तो y गुना x या x गुना y तो x y बराबर क्या होगा, 2000 गुने 100 यानी कि 2 लाख होगा,
उसी प्रकार से जेड गुना वाई या वाई गुना जेड, तो वाई जेड बराबर क्या होगा 4000 गुना 100 यानी कि 4 लाख हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि एक्स वाई का मान है 2 लाख और वाई जेड का मान कितना है 4 लाख। तो क्वेश्चंस में अब बाय ऑप्शंस भी आप चल सकते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चंस नंबर कितना है 90, तो 90 का पहला ऑप्शन है जेड बराबर 2x, दूसरा ऑप्शन है जेड प्लस 2 बराबर x, तीसरा ऑप्शन है जेड बराबर x बटा 2 और चौथा ऑप्शन है जेड माइनस 2 बराबर x। यानी कि जेड का मान आपको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है, इस तरह से आपको करना होगा। तो यहां पर आप देखिए यहां एक्स वाई है, यहां वाई जेड है, तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, वाई कॉमन है दोनों में। तो क्या करते हैं हम, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं और इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से भाग दे देते हैं। यानी कि ये आपका वाई जेड बराबर कितना है 4 लाख है और यहां पर ये एक्स वाई बराबर कितना है 2 लाख है। तो सबसे पहले यहां पर ये 2 लाख एकम 2 लाख और 2 लाख दूनी 4 लाख हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। और यहां 22 से 22 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आप गुना कीजिएगा x गुना 2 तो 2x बराबर z गुना 1 यानी कि z, तो 2x बराबर z कोई भी ऑप्शन है, z बराबर 2x है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91, क्वेश्चन नंबर देखिए 91, 2400 के 12% में क्या जोड़े की योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। यहां पर हम लिखते हैं 2400 के 12%, सबसे पहले इतना हमने लिखा 2400 का 12%, इसमें हमें क्या जोड़ना है कि ये जो योगफल होगा किसके बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चंस में लिखा है 5400 के 18% के बराबर हो जाए, 5400 का 18%। अब इसे हम सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर देखिए ये परसेंट है जो दो जीरो को कैंसिल करेगा, तो 24 गुना 12 करेंगे, तो 24 कहने का मतलब 12 गुना 2 है, तो 12 गुना 12 पहले 144, 144 गुना 2 तो 288, मतलब 24 गुना 12 तो 288 हो गया। 288 में हम कितना जोड़े कि ये इसके बराबर हो, इसे सॉल्व करते हैं। तो परसेंट से दो जीरो कैंसिल होगा, 54 गुना 18 करना है। तो दूसरा तरीका यह भी है कि 54 को आप लिख सकते हैं 18 गुना 3, अब 18 गुना 18 गुना 3 कर लीजिए, ये भी एक तरीका है। या दूसरा तरीका है 18 गुना 54 डायरेक्ट कीजिए, 18 चौके 72 के 2 बाकी 7, फिर 18 पच्चे 90 और बाकी 7 यानी कि 97, तो 972 हो गया। यानी कि वाट बराबर क्या हो जाएगा 972 और ये प्लस 288 उस तरफ जाएगा, तो माइनस 288। इसे सोल्व करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4 होगा और यहां पर 6 हो गया, 6 में से 8 नहीं घटेगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 होगा और यहां पर 8 हो गया, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 होगा। 684 कौन सा ऑप्शन है, 91 का ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 684, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हुआ। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, और 92 जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। यहां हमने लिखा है 1 से लेकर 92 तक दिया था टाइप 3, तो 92 जो करा रहे हैं ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है, इस संख्या के 48% इनमें से किसके बराबर होगा। तो पहले 82% और 73% का अंतर कितना का हो रहा है जो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर आप 82 में से 73 घटाइएगा तो कितना होगा, 9 होगा, यानी कि 9% का डिफरेंस है। क्वेश्चन में दिया है कितना का अंतर है, तो अंतर है जो 72 का है, तो 9% का वैल्यू 72 हो गया, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 72/9, यानी कि हम बोलेंगे 1% का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। तो क्या पूछा है, इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा। तो पहले वो संख्या आप निकाल सकते हैं, संख्या अपने आप में 100% होता है, तो यहां पर संख्या सबसे पहले निकाल देते हैं, वो संख्या क्या होगा यानी कि 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, यानी कि 1% का 8 हुआ तो 100% का 8 गुना 100 यानी कि हम बोलेंगे 800। अब आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इस संख्या का 48% यानी कि हम बोलेंगे 800 का 48% किसके बराबर होगा। तो परसेंट से दो जीरो कैंसिल होगा, 48 गुना 8 करेंगे तो 68 के 4 बाकी 6, फिर 8 के 32 और 6 38, 384 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि लास्ट क्वेश्चन 92 हमने कंप्लीट कर दिया। तो देखिए इसके आगे यानी कि 92 के आगे आपका टाइप 4 है, तो टाइप 4 में मात्र 7 क्वेश्चन है, टाइप 5 में कितना क्वेश्चन है, टाइप 5 में जो दिया गया है ये देख सकते हैं, इसमें भी 7 क्वेश्चन है, टाइप 6 में सिर्फ 1 क्वेश्चन है,
तो हम नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे उसमें टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 ये तीनों टाइप हम कंप्लीट करा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपका पिनाकल एसएससी मैथ्स 3rd एडिशन का, जो आपका एसएससी सीएचएसएल 2021 का Tier 1 का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करा रहे हैं, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैरायटी क्वेश्चन के बाद जो आपका दिया था एसएससी सीएचएसएल 2021 Tier 1 का क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस का है वो हम करा रहे हैं, वो आज कंप्लीट करा देंगे। तो एसएससी के लिए भी आपका बेस्ट बुक है अभी तक का पिनाकल एसएससी मैथ 3rd एडिशन, तो उसका भी आप बेस्ट सोल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए।